सबसे पहले बेरोजगारी की है। मैं गांवों में दौरा कर रहा हूं तो बेरोजगारी हमारी बहुत ज़्यादा है। हमारी पटला विधानसभा में इतनी फैक्ट्रियाँ हैं, करीब 2200 फैक्ट्री है, मैंने सब किया है। तो 2200 फैक्ट्री में अगर हम 2200 फैक्ट्री में अगर हम अपने विधानसभा से गांव से 10-10 भी लगाते हैं तो 22,000 बच्चे लगते हैं। तो 22,000 बच्चों का विकास नहीं है, 22,000 परिवारों का विकास है। मैं तो जनता के की सेवा क्या, मेरे चुने तो मैं तो सेवा जनता की करने उतरा हूँ, जनता की सेवा करता रहूँगा। और चुनना ना चुनना वो जनता के हाथ में है। तो हमारे उम्मीदवार कोई भी हो, मैं हूँ या अगर मैं भी एक अच्छा काम नहीं करूँगा तो जनता मुझे भी चेंज करेगी। तो ऐसे ही जो भी काम नहीं करेगा तो उनको सब चेंज करेंगे। तो मुझे जब मौका मिले, जनता मुझे आशीर्वाद देगी, अपना मौका देगी, मुझे मौका मिले तो मैं पूरे पिछले विधानसभा को एक हरियाणा तक सीमित नहीं करना चाहता, मैं पूरे देश में उसका नाम करना चाहता हूँ। मैं क्योंकि मेरी जो बैठक है पूरे देश में बैठक है, मैं चाहता हूँ मेरे विधानसभा का नाम पूरे दिल्ली के पार्लियामेंट में तक नाम रहे। हमारा मुद्दा विकास का मुद्दा है, हमारा मुद्दा निचले पायदान पर उस समाज को ऊपरी पायदान पर लाने का मुद्दा है। जो हमारा समाज कमजोर समाज है, जिन पर बेसिक सुविधाएं नहीं है, मकान की सुविधाएं नहीं है और घर की सुविधा नहीं है, शिक्षा की सुविधा नहीं है, उन सुविधाओं का अस्पताल की सुविधा नहीं है गाँव में, उन सुविधाओं को पूरा करने के लिए हमारा ये मुद्दा है कि हम विकास में हर उन नौजवान को जो बेरोजगार के कगार पर है, जो अपनी जीविका नहीं कमा सकता, उनके लिए हमें ऊपर लेकर आना है, उनके रोजगार दिलवाना है, उनको सम्मान दिलवाना है। मैं बता दूं आपको कि हमारे समाज से कभी भी विधायक नहीं रहा है, ये हमारी मजबूरी समझ लीजिए या सरकारों का ये अत्याचार समझ लीजिए कि देखो सभी समाज के, जाट समाज हो, ठाकुर समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, सभी के विधायक रहे हैं, प्रजापति समाज का कोई अभी तक विधायक नहीं है। मैं चाहता हूं कि अब की बार फरीदाबाद में थे, जब तक हमें कभी मौका नहीं मिला, अब की बार प्रजापति समाज का विधायक होना चाहिए और उसको परखना चाहिए जनता को कि जो और विधायक बने उन्होंने जो कहा इलेक्शन के दौरान, जो वायदे करके गए, जो जाकर शिलान्यास कर आते हैं, वो आज तक पूरे नहीं, 5 साल पहले शिलान्यास करे वो आज तक पूरे नहीं हुए। हाँ, मैं आपके बार दिखाना चाहता हूँ, एक बार प्रजापति समाज का विधायक बनाओ, जो कि एक बार विधायक बनने के बाद में उस पर एक बार देखना कि अपनी उसका आपकी कसौटी पर खरा उतरता है कि नहीं उतरता है। मैं अपनी तरफ से कहता हूँ, जो बोलूँगा वो करके दिखाऊंगा, जो हम कहेंगे वो ही करेंगे। विकास के मुद्दों को लेकर जाएंगे और जो ये जितने भी विधायक अब तक बने हैं, इन्होंने जो अपना जेब भरने का काम किया है और जनता के साथ धोखाधड़ी करी है और जातिवाद के नाम पर राजनीति करी है और लोगों के बीच मनमुटाव कराने का काम किया है, भाईचारा बिगाड़ने का काम किया है, अगर हम विधायक बनते हैं और हमारी पार्टी सत्ता में आती है और मैं विधायक पटला विधानसभा क्षेत्र से बनता हूँ और जनता जनार्दन मुझे चुनती है, तो मैं जनता का आभार प्रकट करूंगा और जनता से एक विश्वास दिलाता हूं कि हम कभी भी किसी के साथ कोई भी जातिवाद की राजनीति नहीं करेंगे और सब समानता से काम करेंगे और भाईचारा बनाकर काम करेंगे और लोगों के बीच में रहकर, ना कि एक विधायक बनकर, एक बेटा बनकर काम करेंगे। देखो,
हम डीएसपी से हैं, पहले भी हमारी पार्टी से विधायक रहा है, उसने काम करे हैं नहीं करे उससे लेना देना उसका होगा, और बीजेपी और कांग्रेस ने अभी तक जो भी विकास कार्य करे हैं सिर्फ उसने अपनी जेब भरने का काम किया है, न कि लोगों का भला किया है। अगर आप देखो तो पिंडला विधानसभा में आज भी बहुत सारी समस्याएं हैं, रोजगार की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, हमारे यहाँ युवा रोजगार बेरोजगार घूम रहे हैं, इन युवाओं के लिए अगर कोई कर सकता है तो बीएसपी पार्टी कर सकती है, अन्यथा और कोई नहीं कर सकता।